गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ न्यू विवेकानंद कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल एंड थ्रू दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर टेंस। लुक हेयर, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इंटू फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यस, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड वन बाय वन आई विल डिस्कस ऑल अबाउट फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दे आर टेंस फॉर्मूला, दे आर यूजेस एंड आई ऑल्सो डिस्कस थ्रू सम एग्जाम्पल्स। लुक हेयर, एट फर्स्ट फ्यूचर सिंपल। टेंस फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। सो द टेंस फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर सिंपल, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इट्स यूजेस फ्यूचर simple tense is used when the doer will do the work in future. Look here, future simple tense is used when the doer will do the work in future. So if I say in Hindi, future simple tense is used, future simple tense को use किया जाता है जब भविष्य में कोई भी काम होगा, इस type का situation होता है, उस स्थिति में हम लोग क्या use करते हैं, future simple tense को use करते हैं। For example, I will do the work. This is the example of future simple tense. I subject, shall will, choose only one, shall do V1 the work object. So future simple tense is used when the doer will do the work in future. Next, future continuous. Continuous, yes, what is its tense formula? Tense form, subject plus shall will plus be plus V1 ing plus object. Always remember continuous means V1 ing form. So what is the formula of future continuous tense? Subject plus shall will plus be plus V1 ing plus object. Uses future simple, not simple, future continuous tense is used when the doer
will be doing the work for some time in future. So, what is its uses? Future continuous tense is used when the doer will be doing. Yes, when the doer will be doing the work for some time in future. If I say in Hindi, future continuous tense is used. Future continuous tense का use होता है जब भविष्य में कोई भी काम कुछ समय के लिए चलते रहेगा. इस टाइप का सिचुएशन जब क्रिएट होता है उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई शैल बी डूइंग द वर्क, आई सब्जेक्ट बिटवीन द शैल विल, ऑलवेज शैल आफ्टर आई, आई शैल, देन बी, then v1 ing, and last of all object. So this is an example of future continuous tense. So now I will discuss future perfect tense. Future perfect. Tense formula. Future perfect. Subject plus shall will plus have plus V3. Plus object. What is the tense formula of future perfect tense? Subject plus shall will plus have plus V3 plus object. Uses. Future perfect tense is used when the doer will have done the work, will have done the work before another work is performed. PERFORMED. Look here. What is the uses of future perfect continuous tense? Future perfect tense. Future perfect tense is used when the doer will have done. The doer will have done the work before another work is performed. If I say in Hindi, future perfect tense तब यूज होता है जब दो ठो काम होने वाला है और जो दूसरा काम होने से पहले पहला काम हो चुका होगा. ऐसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए, ऐसे सिचुएशन जब क्रिएट होता है, इस स्थिति में हम लोग क्या, हम लोग फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं. अगेन आई वांट टू टेल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन the doer will have done the work before another work is performed. जब भविष्य में दो काम होना रहता है उसमें से दूसरा काम होने से पहले पहला काम हो चुका होता है, ऐसे सिचुएशन में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल have done the work before
माय फादर कम्स, यस आई शैल हैव डन द वर्क बिफोर माय फादर कम्स, आई शैल हैव डन द वर्क, यस शैल हैव डन. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. एंड लास्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, व्हाट इज इट्स टेंस फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1ing प्लस ऑब्जेक्ट. टेंस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1ing प्लस ऑब्जेक्ट. यूजेस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज used when the doer will have been doing the work will have been doing the work before another work is performed in future. Yes, future perfect continuous tense. Continuous means V1ing. Tense formula subject plus shall will plus have plus been plus V1ing plus object. Uses future perfect continuous tense is used when the doer will have been doing yes the work before another work is performed in future. For example, I shall have been doing the work before my father comes. So if I say in Hindi, future perfect continuous tense का use तब होता है जब भविष्य में दोनों काम होने वाला है, तो दोनों काम में से पहला काम दूसरा काम होने से पहले हो रहा होगा, चल रहा होगा, ऐसा situation को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करके उसको हम लोग लिखते हैं. सो इन दिस वे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल अबाउट द टेंस फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड देयर टेंस फॉर्मूला, देयर यूजेस एंड एग्जाम्पल. एंड नाउ थ्रू अ टेंस चार्ट आई विल डिस्कस अबाउट future tense. Look here. Future tense.
यस टेंस फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लुक हियर फ्यूचर सिंपल आई शैल डू द वर्क सेकंड पर्सन यू विल डू द वर्क थर्ड पर्सन ही विल डू द वर्क आई शैल डू द वर्क इन फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन यू विल डू द वर्क एंड इन थर्ड पर्सन he will do the work they are all singular if in plural I shall in plural I change into we shall do the work and in plural same you will do the work in plural and in plural he changes into they will do the work in plural and similarly in future continuous I shall be doing the work in singular I changes into we shall be doing the work in plural similarly you will be doing the work in singular and in plural also you will be doing the work in plural he will be doing the work in singular and in plural he changes into they will be doing the work in plural similarly future perfect I shall have done the work in singular plural I changes into we shall have done the work in plural similarly second person singular number you will have done the work in singular and plural also the same you will have done the work in plural
द सेम वे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही विल हैव डन द वर्क सिंगुलर एंड ही चेंजेस इन टू दे विल हैव डन द वर्क इन प्लूरल. इन द सेम वे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई शैल हैव बीन डूइंग द वर्क, आई शैल हैव बीन डूइंग द वर्क, यस इन सिंगुलर एंड इन प्लूरल वी शैल हैव बीन डूइंग द वर्क इन प्लूरल. सिमिलरली सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू विल हैव बीन डूइंग द वर्क इन सिंगुलर. सिमिलरली इन प्लूरल सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर सेम यू विल हैव बीन डूइंग द वर्क इन प्लूरल. एंड लास्ट ऑफ ऑल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही विल हैव बीन डूइंग द वर्क इन सिंगुलर एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर ही चेंजेस इन टू दे विल हैव बीन डूइंग द वर्क दैट इज प्लूरल. सो इन दिस वे थ्रू दिस टेंस चार्ट आई विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट फ्यूचर टेंस. सो डियर स्टूडेंट्स आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट फ्यूचर टेंस. दैट्स ऑल. हैव ए नाइस डे.